इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब, जैसे पहले एक बारी तो हमने शुरू में देखा कि इन्वेस्टिंग, आपने किसी भी कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, कंपनी के प्लांट काम कर रहे हैं, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के एम्प्लॉयज सब काम कर रहे हैं, कंपनी ग्रो करती चली जाएगी तो आपका भी पैसा बनता चला जाएगा। पार्शियल ओनरशिप इन बिजनेस का सिंपल सा मतलब है एक तरीके से कि भाई एक पूरी की पूरी जो कंपनी है उसमें आपको छोटी सी हिस्सेदारी मिल जाएगी। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। अब जो स्टॉक इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है, आपने मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा, वो बढ़ गया 125 का हो गया, 150 का हो गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन की पैसा ही स्टॉक में तेजी आ गई तो आपने पैसा कमाया। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड क्या होता है, एक बार ये समझते हैं, जो भी कंपनीज काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, जब वो प्रॉफिट कमाती हैं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है हर साल। कंपनीज के अपने अपने रूल्स हैं, कुछ कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड दे देती है, कुछ कंपनी साल में 1 ही बार ही डिविडेंड देती है, बट डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है। कैसे आएगा, जितने आपने शेयर खरीदे, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, आपने उसमें 100 शेयर खरीदे, आज करीब 2400 का रेट है, तो मान लीजिए 240,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, साल का उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आपके पास 100 शेयर है तो सीधा 1,000 रुपए 100 × 10 सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। शेयर्स आपकी होल्डिंग पड़ी है, शेयर ऊपर जाएगा तो आप उसमें भी कमाओगे, तो डिविडेंड भी आपको मिलेगा, तो वो भी आपकी इनकम है।